जय श्री हरि विष्णु, जय सीता राम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सुड का प्रयोग। तो सुड का प्रयोग किस तरह से करेंगे, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सुड का मतलब चाहिए होता है। तो सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चाहिए लगा रहता है। तो सुड का प्रयोग किस तरह से करते हैं। सूड का प्रयोग सलाह यानी एडवाइस देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, सलाह लेने के लिए किया जाता है। कर्तव्य यानी ड्यूटी का बोध कराने के लिए सूड का प्रयोग किया जाता है। सूड का प्रयोग सलाह देने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर, बनावट, इसका बनाने क्या फार्मूला चलिए जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस सूड, यानी सभी के साथ सूड का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शुड नोट, शुड के बाद नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो इसका फार्मूला होगा शुड, पहले शुड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले छात्रों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इस फार्मूला पे बनाएंगे, छात्रों की मीनिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे शुड, उसके बाद भगवान लगाएंगे कठिन परिश्रम करना, जिसका लिखेंगे वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम करना की मीनिंग लिखेंगे वर्क हार्ड, स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। दूसरा क्वेश्चन है छात्रों को अनुशासित होना चाहिए। तो सबसे पहले छात्रों की मीनिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे शुड, उसके बाद होना की मीनिंग लिखेंगे होना, होना की मीनिंग लिखेंगे बी अनुशासित, अनुशासित की मीनिंग लिखेंगे डिसिप्लिन्ड। स्टूडेंट्स शुड बी डिसिप्लिन्ड, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबको, सबको प्रातः काल टहलना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सबको, सबको की मीनिंग लिखेंगे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी सबको की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे शुड, उसके बाद टहलना की मीनिंग लिखेंगे वॉक, उसके बाद प्रातः काल की मीनिंग लिखेंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एवरीबडी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह से बनाएंगे। हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। तो हमें, हमें की मीनिंग लिखेंगे पहले वी, वी के बाद शुड का प्रयोग करेंगे वी शुड, उसके बाद भाव लिखेंगे, भाव का पहला रूप लगाएंगे, प्यार करने की मीनिंग लिखेंगे लव, अपने देश तो यहाँ अपने की मीनिंग लिखेंगे आवर कंट्री, आवर वी के लिए आवर का प्रयोग करते हैं आवर कंट्री। वी शुड लव आवर कंट्री, इस तरह से बनाएंगे। किसानों को ईमानदार होना चाहिए, इसमें भी जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे किसानों, किसानों के मीनिंग लिखेंगे फार्मर्स, फार्मर्स, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद होना, होना के मीनिंग लिखेंगे बी ईमानदार, ईमानदार की मीनिंग लिखेंगे ओनेस्ट, ओनेस्ट मीन्स ईमानदार, फार्मर्स शुड बी ओनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। तो पहले मुझे की मीनिंग लिखेंगे आई,
उसके बाद शुड लगाएंगे, आई शुड, नहीं की मीनिंग नोट लिखेंगे नोट, गाली देना की मीनिंग भगवान लगाएंगे अब्यूज। तो इस तरह से बनाएंगे। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। तो चलिए बच्चों, और भी बहुत सारे एग्जांपल के द्वारा आगे समझते हैं। तो बच्चों, अब कुछ और एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमें की मीनिंग लिखेंगे वी, वी के साथ शुड लगाएंगे, वी शुड, होना, होना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे वर्ब लगाएंगे बी, दयालु की मीनिंग लिखेंगे काइंड, के प्रति की मीनिंग लिखेंगे टू, जानवरों, जानवरों की मीनिंग लिखेंगे एनिमल्स। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, इस तरह से बनाएंगे। उन लोगों को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, पहले उन लोगों की मीनिंग लिखेंगे दे, उसके बाद शुड लगाएंगे, दे शुड, स्वीकार करना की मीनिंग लिखेंगे एक्सेप्ट, दे शुड एक्सेप्ट अपनी हार, अपनी हार की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे देयर, हार की मीनिंग लिखेंगे डिफीट। दे शुड एक्सेप्ट देयर डिफीट, इस तरह से बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षकों को नियम का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षकों की मीनिंग लिखेंगे टीचर्स, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे शुड, पालन करना की मीनिंग भगवान लगाएंगे फॉलो, फॉलो द रूल, नियम की मीनिंग लिखेंगे द रूल, टीचर शुड फॉलो द रूल। हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो सबसे पहले हमें की मीनिंग लिखेंगे वी, वी के साथ शुड लगाएंगे, वी शुड नोट, नहीं की मीनिंग नोट लिखेंगे नोट, भरगुआ लगाएंगे काटना की मीनिंग कट लिखेंगे कट, को के मीनिंग यहाँ टू लिखेंगे टू, हरे पेड़ों यानी ग्रीन ट्रीज, वी शुड नॉट कट टू ग्रीन ट्रीज, इस तरह से बनाएंगे। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तो हमें की मीनिंग लिखेंगे वी, शुड लगा देंगे वी शुड, सदा, सदा की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज, सत्य बोलना का मीनिंग लिखेंगे स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। रोगियों को समय पर दवा लेनी चाहिए। तो रोगियों की मीनिंग लिखेंगे पेशेंट्स, पेशेंट्स शुड, उसके बाद भगवान लगाएंगे दवा लेना की मीनिंग लिखेंगे टेक मेडिसिन, टेक मीन्स लेना, उसके बाद दवाई की मीनिंग लिखेंगे मेडिसिन, पेशेंट शुड टेक मेडिसिन समय पर, तो ऑन टाइम लिखेंगे ऑन टाइम। हमें अपने शिक्षकों का कहना मानना चाहिए। तो पहले हमें की मीनिंग लिखेंगे वी, उसके बाद शुड लगा देंगे वी शुड, उसके बाद भगवान लगाएंगे कहना मानना की मीनिंग लिखेंगे, कहना मानना की मीनिंग ओबे, वी शुड ओबे अपने शिक्षक को, यहाँ अपने की मीनिंग देंगे वी के लिए आवर का प्रयोग करेंगे आवर टीचर्स, वी शुड ओबे आवर टीचर्स, इस तरह से बनाएंगे। हम लोगों को हमेशा समयनिष्ठ होना चाहिए। तो हम लोगों की मीनिंग लिखेंगे वी, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे वी शुड, उसके बाद होना की मीनिंग लिखेंगे बी, होना की मीनिंग लिखेंगे बी, उसके बाद हमेशा, हमेशा की मीनिंग लिखेंगे ऑलवेज।
वी शुड बी ऑलवेज समयनिष्ठ, समयनिष्ठ की मीनिंग लिखेंगे पंचुअल। वी शुड बी ऑलवेज पंचुअल, इस तरह से बनाएंगे। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, तो सबसे पहले सैनिकों की मीनिंग लिखेंगे सोल्जर्स, सैनिकों की मीनिंग सोल्जर्स लिखेंगे। उसके बाद सूट का प्रयोग करेंगे सूट, उसके बाद रक्षा करना की मीनिंग लिखेंगे प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट द कंट्री, देश की मीनिंग लिखेंगे द कंट्री, सोल्जर्स शुड प्रोटेक्ट द कंट्री, इस तरह से बनाएंगे। मुझे पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, मुझे की मीनिंग लिखेंगे आई, आई के साथ शुड का प्रयोग करेंगे आई शुड, नहीं की मीनिंग नोट लिखेंगे नोट, हत्या करना की मीनिंग लिखेंगे किल, पशुओं, पशुओं की मीनिंग लिखेंगे एनिमल्स, आई शुड नॉट किल एनिमल्स, इस तरह से बनाएंगे। व्यापारी को व्यापार नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले व्यापारी की मीनिंग लिखते हैं द ट्रेडर, द ट्रेडर शुड, शुड का प्रयोग करेंगे शुड, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नॉट, व्यापार करना की मीनिंग लिखेंगे ट्रेड, द ट्रेडर शुड नॉट ट्रेड, इस तरह से बनाएंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।